इस वक्त हम हैं कोलकाता के इमामी सिटी सेंटर में। आप देख सकते हैं कि रंगों की बारिश हो रही है, रंग बिरंगे रंग खेले जा रहे हैं, लेकिन इस बार सियासी रंग क्या होगा ये जानने के लिए हम कोलकाता के इमामी सिटी पहुंचे हैं, जहां पर हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्यौहार खेला जा रहा है। तो जहां ममता बनर्जी एक तरफ, आप देख सकते हैं कि मैं भी पूरी तरह से रंगों में डूबा हुआ हूँ, और जहां एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम में डेरा डालकर रंग खेल रही है, 8 किलोमीटर लंबा यात्रा करें, तो भाई अमित शाह कह रहे हैं कि 2 मई के बाद हम लोग भगवा रंग खेलेंगे, गुलाली रंग खेलेंगे। लेकिन क्या होने वाला है इमामी सिटी सेंटर में, और चुनावी रंग क्या होगा, सियासी रंग क्या होगा, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं इमामी सिटी सेंटर। कितना सियासी क्या होगा सियासी रंग, और किस किधर एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ मोदी, तो क्या होने वाला है इस बार सियासी रंग। दादा बता रहे हैं हैप्पी होली आपको भी क्या होगा सियासी रंग इस बार का चुनाव का, क्या रंग होगा? बीजेपी परिवर्तन चाहिए, बीजेपी परिवर्तन चाहिए, उत्साह है। लेकिन चुनाव भी है इस बार, चुनाव भी है तो चुनाव के संग में हम भी लड़ेंगे ना, तो इसलिए हिप्पी भूड़े बोलना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक तरफ दीदी है एक तरफ मोदी है, मोदी ही जीतेगा। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम की जय, सियाराम, जय सियाराम। मोदी, मोदी, दीदी, दीदी 10 साल में कुछ की है नहीं? हाँ दादा बताइए क्या होने वाला है। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, মোদি আমাদের বাংলাদেশে 2 দিন আগে গেছিল, আমরা অনেক খুশি বাঙালিরা, মোদি আমাদের বাংলাদেশে গেছিল, মন্দির গেছে কাল, হ্যাঁ হ্যাঁ মন্দির গিয়েছিল। जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे होली खेली जा रही है आप देख रहे हैं, तो और पूरी तैयारी है होली की, लेकिन सियासी रंग क्या है, सियासी पारा क्या है, जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि 2 तारीख के बाद हरा रंग खेला जाएगा, जो उनकी पार्टी का कलर का झंडा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि 2 तारीख के बाद भगवा रंग खेला जाएगा। क्या होगा युवा से भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? राजवीर, राजवीर। क्या और आप पता है कि चुनाव भी है इस बार? हाँ पता है। क्या होगा इस बार चुनाव में? मोदी, इसको थोड़ी देना है, आपको तो देना है, मेरे को भी नहीं देना है। क्या देंगे ये चुनाव? चुनाव चुनाव आ रहा है क्या? आपका पता कहाँ है आप? मैं यही होली खेल रहा हूँ, चुनाव कोई भी जीते। तो सियासी रंग क्या होता है, सियासी रंग क्या होगा ये बताइए आप। अनिल जी, जय श्री राम, जय श्री राम। 10 साल का के पास पहुँच गया ना, तो देखिएगा क्या होगा दादा। बीजेपी, बीजेपी 10 साल का ममता बनर्जी का काम पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 साल का ममता बनर्जी का काम पसंद नहीं आ रहा। हैप्पी होली आपको भी, बोलिए क्या कहोगे? कुछ भी नहीं खेलो। कुछ लड़कियां भी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हैप्पी होली आप लोग, आप लोग का पता है कि चुनाव भी है इस बार? चुनाव है, इलेक्शन है, क्या होगा इलेक्शन में इस बार? जो होना है वो होगा, एग्जैक्टली खेला होगा, खेला 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 होगा, खेला होगा, खेला होगा। लड़कियां हैं वो खेला होगे बोल रही हैं, तो मैं खेला से बोले आप लोग खेला होगे, खेला होगे, ममता दीदी वो जो भी होगा खेला होगा, देखा जाएगा, बट द बेस्ट शैल विन, द बेस्ट शैल विन, मतलब जो अच्छा होगा वो। अच्छा ये बताइए कि आप लोग लड़कियां हैं, 10 साल से ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, अब भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ किया है? पता नहीं, किया तो है, बट किया तो कुछ तो है, अब क्या किया है वो छोड़ दीजिए, खेला होबे, दैट्स ऑल वी नो, खेला होबे, तो ये तो ममता दीदी का नारा है, बीजेपी का नारा खेला शेष होबे, असोल बंगाल, किंतु खेला तो एखनो होच्छे, खेला तो चलछे, खेला तो शेष होच्छे ना एखनो, मतलब खेला होबे। आप बताइए क्या नाम है आपका? महुआ। क्या होगा इस बार चुनाव में? जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बीजेपी, बीजेपी, जय श्री राम। ममता दीदी महिला है, इकलौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में, ममता दीदी हम मोदी के सपोर्टर्स हैं, हम लोग मोदी के सपोर्टर्स हैं। वोट क्या देकर करती है, मतलब नाम पे काम पर या फिर ऐसे ही? ऑब्वियसली नाम पर भी काम पर भी। ममता, ये ममता दीदी ने क्या नहीं किया, मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया और ममता ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया। वो तो बता रहे कि मैंने लड़कियों के लिए पैसा दिया, लड़की की शादी होती तो पैसा देते हैं, वो
वो ऐसे ही जो अपना जो अपने लिए लड़ते हैं ना वो अपने बारे में ऐसे ही बोलते हैं। मोदी ने क्या किया जो आपको पसंद है? ये पूरा देश जानता है कि मोदी ने क्या क्या, जैसे कुछ बताइए। देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, अगर बोलने लग जाएंगे तो बहुत सारे। कुछ कुछ तो एक दो काम बताइए तब तो पता चले कि आप क्यों। उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब आप धर्म के नाम पर वोट करेंगे? ऐसा नहीं है, उन्होंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। ये बताइए कि बात ये है कि लोग तो आखिर देंगे कि गैस के सिलेंडर का दाम कम हुआ या नहीं, क्या जो उन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये सब तो मुद्दे ये सभी आते बोलते हैं, लेकिन जो फैक्ट उनसे जितना हो सकता है उन लोग करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। लेकिन ममता दीदी जो उल्टा पुल्टा बोलना, अपने आप में जो कंट्रोल होना, ये सारा चीज़ उनमें नहीं है। एक बीगा मीडिया पर्सन और फ्रंट में जो जिन लोग होते हैं उन लोग कुछ सोच के बोलना या ये सारी चीज़ जो करना चाहिए, लेकिन उन लोग नहीं करते। अच्छा। तो ये पसंद नहीं है। अच्छा, मोदी जी क्या करते हैं तो पसंद है? वो एटलीस्ट उनका तरीका ऐसा है कि जो भी है अच्छे से बोलना। आप एक आइडल है पूरी दुनिया, मतलब अभी हमारे इंडिया में आप आइडल है, तो अच्छे से इतना तो बोलना चाहिए कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो कुछ भी ऐसे मुंह के ऊपर मीडिया के सामने कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं। नो डाउट मोदी जी के आने से इंडिया का बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आया इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। बांग्लादेश में कह दिया कि हम बंगला, जब बंग आंदोलन चल रहा था, जब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हम जेल गए थे, तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं। देखिए उतना वो जेल कहाँ गए थे, इंडिया तो खुद उनके साथ था, इंडिया बांग्लादेश के साथ था ना। नाम पर या काम पर भी कुछ काम नहीं, काम पे पता है हम लोगों ने सारे धर्म के लिए किया है, नॉट सिर्फ हिंदू। देखिए ये होली का अलग अलग रंग है, अलग अलग गुस्सा है, जोश है, जुनून है। दादा क्या होगा, करना है बोलिए, चुनाव में क्या होगा? बहुत मजा आया। क्या चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी आएगा, चुनाव में हम लोग आएंगे। इमामी सिटी आएगा, इमामी सिटी। मोदी मोदी मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको ममता बोलना है तो बोलिए। ममता नहीं बोलना, बोलिए जय श्री राम, बोलिए फिर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्यों आखिर क्यों नरेंद्र मोदी क्यों, दीदी क्यों नहीं, ये बताएंगे। दादा आप लोग से जानने आ जाओ कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों, दीदी क्यों नहीं। विकास, हमको विकास चाहिए, विकास। 7 साल से मोदी जी सत्ता केंद्र में है, दीदी 10 साल से मुख्यमंत्री है बंगाल में। क्या मोदी जी ने कर दिया ऐसा, आप खुद ही इवैल्यूएट कर लीजिए क्या मोदी ने किया और क्या दीदी ने नहीं किया। दीदी कुछ नहीं किया, कुछ ने क्या किया, कुछ काम बताइए। मोदी जो है बिजनेस को बहुत बढ़ावा दिया है, अभी हम लोग प्रॉब्लम में है लेकिन आगे बहुत अच्छा होगा, इसलिए मोदी 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 सुनने में तो आ रहा है कि हाँ ठीक है, जरूर थोड़ा सा होली लेकिन हैप्पी होली, हैप्पी होली, बहुत आज खुशियों का और रंगों का त्यौहार है, आप सबको भी हैप्पी होली। दादा क्या होगा चुनाव में, बीजेपी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, आखिर कोई भी, अरे कोई भी सरकार 10 साल के ज्यादा रहना नहीं चाहिए। आप परिवर्तन करके क्या करेंगे, परिवर्तन का मतलब ये है जो हम लोग एक्सपेक्ट करेगा 10 साल के बाद एक्सपेक्ट करेगा वो कुछ दे सकता है, इसलिए परिवर्तन चाहिए और कुछ नहीं। तो मोदी ने 7 साल में कुछ किया, मोदी कुछ नहीं किया, हम लोग व्यापार को मिट्टी में मिला दिया, तब भी परिवर्तन चाहिए, मतलब फिर भी आप मोदी के साथ। देखिए ये भाई साहब तो आखिर क्यों मिट्टी में मिला दिया, मोदी ने ये कह रहे हैं कि व्यापार मिट्टी मिला देंगे फिर भी मोदी जी को, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा परिवर्तन नहीं होने से कुछ नहीं हो सकता, हम लोग कष्ट कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, सर सारा स्टेट आगे बढ़ रहा है, खाली वेस्ट बंगाल पिछड़ते जा रहा है। एक भी हर काम में विरोधिता नहीं होना चाहिए, हर काम में हम तुम्हारा अगेंस्ट में है ये होना नहीं चाहिए, एक बार सपोर्ट देके देखते हैं। अभी पेड़ लगा है, फल कब देगा बाद में पता है, अभी परिवर्तन चाहिए, फल का आशा बाद में, अभी जो मिट्टी में मिल गया वही घास निकल गया। मोदी मोदी पार्टी से मत करो, इट्स अ यूनाइट फोरम। मैं मोदी 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 ओबे खेला ओबे खेला ओबे मोदी 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 पूरी तरीके से मोदी मोदी हो रहा है, मोदी मैं हो चुका है कोलकाता और कोलकाता के इमामी सिटी में हम हैं और जो रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगे रंग खेले जा रहे हैं। एक तरफ दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं लेकिन जो यहां पर जो नज़ारा है जो आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, पूरे जोश और उत्साह के साथ रंगों का त्यौहार होली खेला जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि को
कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री, क्या परिवर्तन चाहती है बंगाल की जनता? फेस्टिवल फेस्टिवल की जगह है नहीं, नहीं ममता बनर्जी कह रही है कि 2 तारीख के बाद हम खेलेंगे रंगों का, और मोदी अमित शाह कह रहे हैं हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, वी आर द टैक्स पेयर्स, वो हम हमारे पैसे से जो करना है उनको करना है, ठीक है, बट वी शुड एंजॉय आवरसेल्व्स। नहीं तो मैं भी करने आया हूँ आपके साथ। नहीं, नहीं। मैंने आज तक आई एम 42 आई हैव नेवर कास्टेड माय वोट टिल नाउ। नहीं आज तक नहीं किया, ये तो आपका लोकतंत्र अधिकार। आई हैव नेवर फाउंड अ मैन टू वोट, आई हैव नेवर फाउंड अ मैन टू वोट। चलिए ये तो मैं कोलकाता के इमामी सिटी में जहाँ से आपको नजारा दिखा रहा था कि क्या होने वाला है चुनावी रंग, क्या होगा सियासी रंग, जहाँ पर लोगों का राय जानने के लिए मैं इमामी सिटी पहुँचा था जो कि काफ़ी बड़ा इलाका है और कोलकाता एयरपोर्ट से लगभग सटा हुआ ये इलाका है, जहाँ पर मोदी मोदी में पूरी तरीके से रंग जमा हुआ है और मोदी मोदी हो रहा है। कैमरा आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता इमामी सिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।